मार्शल ला आया, आके चला भी गया। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल ला नाफिज करने का ऐलान किया, मगर फौरी तौर पर अरकान पार्लियामेंट जमा हुए, मार्शल ला को उड़ा दिया। फौज को मुंतखब ऐवान ने हुक्म दिया बैरकों में ही रहो। यूं 2-3 घंटों के अंदर सदर को मार्शल ला उठाना पड़ गया। मार्शल ला यूं आया यूं चला गया। जी हाँ, जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल ला उठाना पड़ गया। मार्शल ला हटाने का ऐलान होते ही फौज की बैरकों में वापसी शुरू हो गई। जनूबी कोरिया की अपोजिशन ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए हुक्मरान जमात के मुलविस तमाम अफराद के एहतसाब पर जोर दिया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन ने भी सदर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए मुस्ताफी होने तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए मार्शल ला के नफाज का ऐलान किया था। बाद अज़ां पार्लियामेंट ने मार्शल ला के नफाज के खिलाफ वोट दिया था। जनूबी कोरिया के 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल ला के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कालादम करार दे दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर के मार्शल ला उठाने के ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में अपोजिशन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है।